हेलो गाइज, आपके अपने चैनल ज्योतिष पोद्दार पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आ चुके हैं एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज आए हुए हम अपने लोकल का मार्केट और अभी जा रहे हैं गाइज हम लोग रेशम नगर, यानी कि ये जो जगह है इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और भगैया यहाँ का नाम है। बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए आज का अपने लोकल मार्केट का हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब निकल चुके हैं हम लोग भगैया मार्केट के लिए और अभी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं कार से। गाइज अभी हम लोग पेट्रोल पंप भगैया का पास कर रहे हैं और ये हाल ही में कुछ ही दिन पहले बना है और ये बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम पर डेवलप हो गया है। गाइज आप लोग देख सकते हैं ये भगैया बिशनपुर चौक है और यहाँ पे ये बहुत ही फेमस मस्जिद आप लोगों को दिख रहा होगा। और अभी ऐसे हम लोग मस्जिद के पास भगैया का ऑटो स्टैंड बोले या फिर कुछ भी बोले, मतलब यही जो वो जगह है जहाँ पे यहाँ से ऑटो पकड़ा जाता है कहीं के लिए भी, ऑटो या फिर बस कुछ भी, जो कि ये एक साइड मिर्जा चौक चला जाता है सीधा। और फिर अगर हम लोग बाराहाटी भी जाना चाहें तो यहीं से हम लोग बाराहाट जा सकते हैं। यहीं से बाराहाट बोली और साहेबगंज मिर्जा चौक कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग भगैया फाइनली पहुँच चुके हैं। तो चलिए अभी हम लोग साइड में गाड़ी को लगा देंगे पार्क करके, उसके बाद फिर आप लोगों को अच्छे से भगैया को और एक्सप्लोर करते हैं। और ये भगैया का आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे चिकन और मटन के लिए ये फेमस मार्केट है। यहाँ पे हर जगह। बिशनपुर चौक से थोड़ा सा आगे आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा सॉरी इंडिया वन एटीएम करके है, इसी के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा ये चिकन शॉप। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया वन एटीएम यही है और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फेमस मुख्तार भैया भी यहाँ चिकन शॉप के ऑनर बैठे हुए हैं। तो अभी नाम सुनते हैं। और यहीं पे बहुत ही बड़ा फेमस बजरंग बली का मंदिर भी आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये बजरंग बली का मंदिर है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ पे कार पार्क कर चुके हैं और कार पार्क करके अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। और ये शिव मंदिर है। तो चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे आरती भी हो रहा है गाइज और ये वो जगह है जो कि मंदिर को अगेन बनाया जा रहा है तोड़ के। तो चलिए अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सपना स्टूडियो है भगैया में। और इसके बाद इधर से ही होते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा मंदिर की। तो ये है भगैया का दुर्गा मंदिर और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आज आरती हो रहा है। भगैया का सबसे फेमस जलेबी का शॉप है जो कि हर एक यहाँ पे जब भी चौक लगता है तब यहाँ पे ये शॉप लगाया जाता है। आप लोग देख सकते होंगे ये वो भैया हैं जो यहाँ पे ठेला लगाते हैं और सभी लोगों को स्वादिष्ट नाश्ता कराते हैं। और मैं लोकेशन बता देता हूँ गाइज, ये चौक है और यहाँ पे रेलवे आरक्षण केंद्र के जस्ट सामने देखने को मिल जाएगा इनका ठेला। और यहाँ पर आके मनपसंद अपना कुछ भी आइटम्स खा सकते हैं। तो आज भी यहाँ पर चौक लगा हुआ था। आज दिन जो है गाइज वो थर्सडे है, मतलब बृहस्पतिवार है और यहाँ पे आज भी चौक लगा हुआ था जो कि देख सकते हैं। अभी मार्केट एंड होने वाला है लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी कुछ लोग हैं जो अभी परचेजिंग कर ही रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी लास्ट टाइमिंग हो रहा है जो कि अभी सबको ही घर जाने के हो रहे हैं। आप लोग और एक बात जो कि अभी तक हम भूल चुके थे और सबसे फेमस यहाँ का जो दुकान है वो है भिन्नी भैया का नाश्ता दुकान। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको वेज का हर एक प्रकार का प्रोडक्ट मिल जाता है गाइज। और देख सकते हैं यहाँ पे भी भैया बहुत मेहनत से बना रहे हैं प्रोडक्ट। हेलो भाई, और यहाँ के ऑनर यही है, तो हम जानना चाहेंगे भैया ये दुकान कब कब ओपन होता है भगैया में, किस किस दिन? बता दें, शुक्र मंगल बंद, यानी कि यहाँ पे 2 दिन ये दुकान बंद रहता है। अक्सर शुक्रवार और मंगलवार को ये दुकान बंद होता है और यहाँ पे आप लोग जब भी आके चाहे यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। और भगैया जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप सिल्क सिटी के नाम से फेमस है, रेशम नगर के नाम से फेमस है हिंदी। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी है नहीं, इसलिए हमको बाहर से ही कैप्चर करना पड़ रहा है क्लिप्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ शुद्ध रेशम का कपड़ा बनाया गया है जो कि बहुत मेहनत से बनाया जाता है और हैंडलूम वर्क है ये। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सलवार सूट भी काफ़ी यूनिक सा लग रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे जो होता है भगैया में एक्चुअली हर एक घर में सिर्फ और सिर्फ सिल्क का ही काम होता है। अभी आप लोग जितना भी यहाँ पे बिल्डिंग देख रहे होंगे हर एक घर में सिल्क का शॉप है, तो ये सारा सिल्क का ही शॉप है गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग आए हुए हैं भगैया का सबसे फेमस स्वीट्स में, आर के स्वीट्स है ये। नाश्ता यहाँ का सबसे लाजवाब मिलता है अगर पूरे अपने एरिया में बात किया जाए ठाकुरगंज के प्रखंड में, तो ये वो दुकान है जहाँ पर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है। आप लोग देख सकते हैं हर एक प्रकार का स्वीट्स यहाँ पे मिल जाता है। और ये है ऑनर। ये देख सकते हैं हम लोग अभी राजा केक एंड आइसक्रीम हाउस में आए हुए हैं। जैसा कि हम बताए थे यहाँ पे आइसक्रीम का डीलरशिप है और हर एक प्रकार का यहाँ पे केक देखने को मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं, बाहर से ही पहले दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग अंदर भी चलेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मिलता है। ये रहा पेस्ट्री, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसलिए हम कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल करा देते हैं। तो ये दुकान के ऑनर है राजा भैया। उसके बाद बर्थडे का जो भी आइटम्स होता है सजाने के लिए घर में, वो सारा डेकोरेशन का सामान भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। और आप लोग देख सकते हैं 9608648768, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके सारा चीज़ यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे स्वीट्स, आर के स्वीट्स के बगल में एक और स्वीट्स शॉप देखने को मिल जाता है, अमित कौशल मिष्ठान भंडार। दुकान अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक प्रकार का स्वीट्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है, अच्छे से अच्छा आइटम। और दुकान में भैया हैं अभी प्रेजेंट। ये है भगैया का सबसे फेमस आनंद भैया का फास्ट फूड शॉप, आनंद फास्ट फूड इस दुकान का नाम है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार का फास्ट फूड आइटम मिल जाता है, चाउमीन, बर्गर, रोल भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से अच्छे टेस्ट का आइटम मिल जाता है। आप लोग जरूर एक बार यहाँ पर भी विजिट करें। ये है भगैया का खादी भंडार, जो कि महात्मा गांधी के नाम से भी ये जगह को जाना जाता है और भगैया का ये बहुत ही फेमस चीज़ है। यहाँ पे आपको खादी का हर एक प्रकार का हर एक कलर का कपड़ा देखने को मिल जाता है। आपको दिख रहा होगा वो सारा चीज़ खादी का। यहाँ पे खादी का कंबल भी दिख रहा होगा। और ये बाबा है जो कि यहाँ पे इस दुकान को बहुत वर्षों से संभाले हुए हैं। कब ये ओपन हुआ था? तो आपका 3-4 साल हो गया। 3-4 साल नहीं, इससे पहले कब से ये मतलब खादी का यहाँ? अरे 50-60 साल हो गया जी, 50-60 साल। अच्छा, तो इसमें ये शोरूम हाल फिलहाल में खोला गया? हाँ, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के? हाँ हाँ, मतलब भारत सरकार भी इसमें मदद कर? हाँ हाँ, उन्हीं की मदद से ऐसा हुआ है। मतलब खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी इसमें मदद कर रही है। आप कब से जुड़े हुए हैं? हम तो 83 में वाले हुए हैं। 83 से आप अभी तक यहीं पे? यहीं पे नहीं है, और जगह सब थे। हम लोगों को ये होता है, ट्रांसफर होता है ना। तो कभी वहाँ गया, कभी भगैया। कब आया था भगैया? हमारा 10 साल। 10 साल से भगैया। बहुत अच्छा लगता है कि 10 साल से सेवा दे रहे हैं। हाँ, अब ऐसा हो गया है ना आप लोगों से, क्योंकि घरेलू समझ रहा हो गया है। हाँ। तो इनका कहना है कि यहाँ पे ऐसा संबंध बन गया है अभी कि ये 10 साल से यहाँ पे कार्यरत है। तो यहाँ पे भी इनका कहना है कि मतलब घर वाला फील होता है भगैया, ऐसा जगह इनके लिए साबित हो गया है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बाबा। और चलिए हम लोग यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करते हैं ऐसे खादी भंडार के साथ। और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और भगैया के हर एक जगह को बताने के लिए आप लोग से इस वीडियो को सारे फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग।